हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होता है बच्चों, देखते हैं। हमारा जैसे हमारा ए की पावर 2 एंड ए की पावर 3। ए क्या है हमारा बेस और ये क्या है हमारी एक्सपोनेंट या पावर। जो हमारी बेस की पावर 2 होती है, जिसकी पावर 2 होगी, बेस की पावर जो 2 होगी, तो उसको बोलेंगे हम स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ए की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, जिसकी पावर 2 होगी वो क्या होगा? स्क्वायर कहलाएगा। ज्योमेट्री में हम कैसे पढ़ते हैं? ये हमारी शेप है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा स्क्वायर। और ये हमारा एलजेब्रा की बात कर रहे हैं हम, जिसमें बेस की पावर क्या होगी? 2। वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। आज हम फाइंड करना सीखते हैं कैसे हम निकालते हैं 1 डिजिट का स्क्वायर, 2 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर। ओके, अलग अलग मेथड से हम सीखेंगे आज। जिसकी पावर 2 है, ए की पावर 2 है, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं? जैसे ए की 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ए मल्टीप्लाई ए, ये क्या होगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर की। जैसे 4 की पावर 2 क्या होती है हमारी? 4 मल्टीप्लाई 4 क्या आएगा? 16 आएगा, ठीक है। ये हमारा सिंगल डिजिट की बात हो रही है, जिसमें बेस की सिंगल डिजिट हो, नंबर हो, ठीक है। अगर हमारा 2 डिजिट नंबर आए, वो कैसे सोल्व करते हैं हम, वो देखते हैं। जैसे 15 है, 15 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास एक कॉलम मेथड होता है, एक डायगोनल मेथड होता है, और एक हम कॉलम मेथड के तरह ही डायरेक्ट सब भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 डिजिट है, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 5 का स्क्वायर 25। ओके, 25 का हम क्या लेंगे? 5, 2 क्या होगा? कैरी। अब क्या करेंगे हम? इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 और 2 क्या हो जाएगा हमारा कैरी? 12, 12 का हम लेंगे 2 और 1 कैरी, ठीक है। अब जो हमारी ये डिजिट है, इसका स्क्वायर क्या होगा हमारा? 1 का स्क्वायर 1, और कैरी क्या था हमारा? 1 और 1 2। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए। जैसे मुझे 17 का स्क्वायर निकालना है, एक दूसरा मेथड से भी सीखते हैं हम। 17 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब 1 × 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मीन्स 2ab, 2 मल्टीप्लाई ab, ये a है, ये b है, a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 49, मल्टीप्लाई 2ab क्या आएगा हमारा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 आया। अब 14 को क्या करेंगे हम? ये 1 डिजिट छोड़ देंगे इसकी, और नेक्स्ट डिजिट से लिखना स्टार्ट करेंगे 4 1, और ऐड कर देंगे हम इसको, क्या आएगा? 9 4 4 8 1 1 2, ये आ गया हमारा 17 का स्क्वायर। ओके, कुछ एग्जांपल और समझते हैं। जैसे हमारा 16 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। देखिए 16 का स्क्वायर है हमारे पास, 16 का स्क्वायर फाइंड करना हमें, 16 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये हम ए मान लेते हैं, और ये हमारा बी, ठीक है। और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करें हम? ए का स्क्वायर
यहाँ पे लिखते हैं वन का ए का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर हो गया हमारा वन, बी का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी, प्लस टू मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई सिक्स, ठीक है, क्या होगा ट्वेल्व। अब यहाँ पे आएगा हमारा वन टू ए सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, टू सिक्स जा ट्वेल्व, ट्वेल्व जो हम लिखेंगे वो कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, थ्री से, ट्वेल्व वन, और क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, सिक्स थ्री और टू फाइव, वन वन टू, क्या आया हमारा 256। ओके, ऐसे ही हम 23 को भी फाइंड कर सकते हैं। 23 को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 23 को फाइंड करेंगे, 23 का स्क्वायर ए बी, ए का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर, बी का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन। अब थ्री का स्क्वायर जब हमने किया तो हमारे पास क्या आया, सिंगल डिजिट आई। अब सिंगल डिजिट जहाँ पे भी आएगी हम उसको डबल डिजिट में करेंगे, तो क्या लिखेंगे, जीरो नाइन, ठीक है। उसके बाद टू ए बी, टू ए बी क्या है, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री, तो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री ए बी, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व। अब ट्वेल्व आया हमारा, और ट्वेल्व को हम कहाँ से लिखेंगे, सेकेंड डिजिट से, टू वन, और अब क्या कर देंगे ऐड, नाइन टू फोर और वन फाइव, तो हमारा आया 529। ओके, नेक्स्ट है हमारा 27 का स्क्वायर ए बी, टू का स्क्वायर फोर, सेवन का स्क्वायर 49, टू ए बी, टू टू जा फोर, फोर सेवन जा 28, और 28 कहाँ से लिखेंगे हम, सेकेंड डिजिट से, और अब क्या करेंगे ऐड, नाइन एट और फोर ट्वेल्व, फोर और टू सिक्स और वन सेवन, तो ये हो गया हमारा 729, ठीक है। किसका स्क्वायर, 217 का स्क्वायर। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 729 आएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, ए क्या है हमारा 4, बी क्या है 5, 5 क्या है बी, तो ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर 25, 2 ए बी, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, तो आ गया हमारा 04, सेकेंड डिजिट से हमने लिखा 40 को, तो ये आएगा हमारा 5, 2, 6 और 4 10, 1 1 2, तो हमारा होगा 45 का स्क्वायर 2025। जो ये मेथड है हमारा केवल टू डिजिट के लिए मेथड है। ओके, टू डिजिट में हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं टू डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए। ओके, अब ये है हमारा कॉलम मेथड भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, या हम आइडेंटिटी से सोल्व करते हैं, ठीक है। कॉलम में क्या होगा हमारा, कॉलम में हम इसको लिखेंगे, ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर। ओके, अब जैसे हमारा ए स्क्वायर था क्या आया, 16, ठीक है, और बी स्क्वायर आया हमारा 25, ठीक है, और टू ए बी आया हमारा 40। अब क्या करेंगे हम, यहां से हम क्या करेंगे, 5 जो वंस डिजिट है वो लेंगे 5, और जो ये 2 है ये क्या जाएगा यहां पर प्लस का, और यहां से हम लेंगे 2 4, तो यहां से हमने लिया 2, और 4 क्या किया हमने कैरी किया,
यहाँ पे पूछा दिया। और अब होगा हमारा 4, 6, 20, 0, 2, तो यहाँ से लिया हमने 20। ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हम कॉलम मेथड। ओके, ये मेथड है हमारा कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से भी हम कुछ पार्ट करते हैं, जैसे ट्वेंटी थ्री का स्केयर है जैसे हमारा, तो इसको कॉलम मेथड से सोल्व करेंगे हम। ए स्केयर, टू ए बी और बी स्केयर, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारी, टू का स्केयर 4, थ्री का स्केयर 9, ठीक है। टू थ्री जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे आ गया हमारा 12। तो यहाँ की हमने क्या आया 0, 9 डिजिट ली हमने, और यहाँ की हमने ली डिजिट 2, ठीक है। और जो ये 1 था, ये 1 चले गए यहाँ पर 1, तो क्या आया हमारे पास 4 और 1 5, तो हमारा हो गया 529। ये हमारा कॉलम मेथड, ठीक है। जैसे हम 27 को भी सोल्व करेंगे यहाँ से, 27 को अगर हम सोल्व करते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, और 2 ए बी 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। अब यहाँ पे हमें वंस प्लेस लिया, और जो ये 4 है ये यहाँ पे पहुँच गया हमारा, इसको हमने क्या किया प्लस किया, क्या आया 2 32, यहाँ से लिया हमने 2, और 3 हमारा यहाँ पे पहुँच गया, तो क्या हो जाएगा ये 7, तो यहाँ से हमने लिया 7, तो हमारा आंसर आ गया 729। ये है हमारा कॉलम मेथड, ठीक है। अब हम डायगोनल मेथड से स्केयर फाइंड करना सीखते हैं। कौन सा मेथड से, डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड में क्या करते हैं, जैसे हमारा 27 का हमें स्केयर फाइंड करना है, कौन से मेथड से, डायगोनल से, तो हमें रो और कॉलम बनाने पड़ेंगे। दो डिजिट है तो दो ही हमारे पास क्या होगी, रो होगी, और दो ही हमारे पास क्या होगी, कॉलम। जैसे ये है हमारा आप देखिए रो हमारे पास कितनी है, दो, और कॉलम भी दो, तो डिजिट लिखते हैं हम सबसे पहले 27, यहाँ पे भी 27। अब हम डायगोनल लेते हैं, जैसे ये डायगोनल किया हमने, और इस हर पार्ट में हमने डायगोनल कर लिया, और ये भी हमारा डायगोनल। अब डायगोनल में हमारे दो पार्ट है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, ओके। अब 4 है हमारा सिंगल डिजिट, डबल डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 0 4, 0 क्या आएगा हमारा फर्स्ट में, और 4 सेकंड में, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसकी सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारा 2 7 जा 14, तो 14 में क्या आएगा हमारा 1 फर्स्ट में और 4 सेकंड में, ठीक है। अब देखिए अब फर्स्ट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 2 जा 14, तो 1 यहाँ पर 4 सेकंड में, 7 7 जा 49, तो 49 यहाँ पर 4 फर्स्ट में 9 सेकंड में। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे डायगोनल है सेम, जैसे एक डायगोनल है तो इसमें हमारा सम आएगा 9, अब सेकंड ये है तो ये सेकंड में क्या आ रहा है, सेकंड में 4 4 4, तो इनका सम करेंगे हम, 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12, ओके। अब थर्ड कॉलम हमारा ये 1 4 1 4 1 5 5 1 6, तो हमारा यहाँ से आया 6,
और ये हमारा जो आया इसमें जीरो। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला जो था हमारा नाइन, तो इसका वंस प्लेस एक डिजिट लेंगे नाइन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लेंगे टू टू, और जो वन है वो कहाँ पे चले जाएगा सिक्स के पास, तो यहाँ पे चले गया वन, तो ये आ गया हमारा सेवन। अब सेवन सिंगल डिजिट है और जीरो, और यहाँ पे भी हमारा क्या है जीरो, तो इसमें से हम क्या लेंगे सेवन, और यहाँ से क्या लेंगे हम जीरो, तो हमारा जो स्क्वायर आया वो क्या आया 729। ओके, ये था हमारा डायगोनल मेथड। इसमें हम थ्री डिजिट से भी निकाल सकते हैं, टू डिजिट का भी निकाल सकते हैं, फोर डिजिट का भी निकाल सकते हैं हम स्क्वायर, कौन से मेथड से, डायगोनल मेथड से। ओके, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा 45 का स्क्वायर, किससे सोल्व करना है हमें ये, डायगोनल मेथड से, ठीक है। डायगोनल मेथड क्या है हमारा, जितनी डिजिट उतनी ही हमें क्या लेना है रो एंड कॉलम, तो कितनी डिजिट है हमारे पास एक दो, तो हमें क्या लेना है दो कॉलम दो रो। अब रो आपको पता है हॉरिजॉन्टली, ये रो और ये कॉलम। अब हमें हमारे पास जितने भी बॉक्स है उसको हमें डायगोनल में डिवाइड करना है, ये डिवाइड हो गया हमारा, ये डिवाइड हो गया और ये भी डिवाइड हो गया, अब यहाँ से हमारा ये भी डिवाइड हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा डायगोनल में डिवाइड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे फोर फाइव, यहाँ पर भी कॉलम में लिखेंगे फोर फाइव, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारा फोर फोर जा क्या आएगा सिक्सटीन, सिक्सटीन आया, तो सिक्सटीन में फर्स्ट फर्स्ट वाले बॉक्स में और सिक्स सेकंड वाले बॉक्स में, ठीक है। फिर आएगा हमारा फोर फाइव जा ट्वेंटी, ओके ट्वेंटी हमारा आएगा टू फर्स्ट में जीरो सेकंड में, ठीक है, हो गई हमारी फर्स्ट की फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, अभी सेकंड की फर्स्ट और सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइव फोर जा ट्वेंटी, तो ट्वेंटी आएगा हमारा टू जीरो, अब फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, तो ये आ गया हमारा ट्वेंटी फाइव, ठीक है, ये आ गया हमारा बॉक्स फिल हो गए हमारे। उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे हमारा फर्स्ट डायगोनल्स अलग है ये, तो इसमें से हमने क्या लिया फाइव, और ये जो डायगोनल है इसमें क्या क्या बॉक्स है जीरो टू जीरो, तो इसको हम सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा टू। अब इसमें बॉक्स में जितनी भी डिजिट है हमारी उसका सम करेंगे, टू और सिक्स एट, एट और टू टेन, अब यहाँ से हमारा क्या आएगा वन। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो हमारा आ गया फाइव, ओके यहाँ पे क्या है हमारे पास सिंगल डिजिट है तो यहाँ पे आ गया हमारा टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास टू डिजिट है तो यहाँ पे क्या है हमारी जीरो, जीरो हमने यहाँ पे लिया और वन नेक्स्ट में पूछा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे वन आएगा तो क्या हो जाएगा टू, तो ये आ गया हमारा टू जीरो टू फाइव, किसका स्क्वायर आ गया हमारे पास 45 स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा डायगोनल मेथड, ये थी हमारी दो डिजिट की बात। अगर थ्री डिजिट की अगर हमें फाइंड करना है, थ्री डिजिट हमें फाइंड करना है स्क्वायर, तो एक तो हम डायरेक्ट निकालते हैं और एक हम डायगोनल मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे हमारा है 104 का स्क्वायर, देखिए अब हमारे पास देखिए नियर बाय 104 के 100 कितना दूर है, 4 नंबर दूर है, तो हमें नियर बाय 100 चेक करना है सबसे पहले, तो नियर बाय 100 है तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से ये 4 ज़्यादा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे
इस 4 को किस में ऐड करेंगे हम, 104 में, किस में ऐड करेंगे 104 में, कितना हो जाएगा हमारा 108। अब ये होगा हमारा 108, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट है, अगर 3 डिजिट होती तो हमारा क्या हो जाता है, इसमें कैरी चले जाता। अब हमारा बेस क्या है, अगर बेस हमारा 100 है तो 100 का बेस 1 है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा हमारा, सेम ही आएगा 108, और ये एज इट इज हमारा 16। अगर यहाँ पे हमारा 100 की बजाय 204 होता, देखिए अगर हमारा 204 ही है तो तब क्या होगा, हमारा 4 ज़्यादा है किससे, 200 से, 200 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16। उसके बाद इस 4 को हम किस में ऐड करेंगे, 204 में, 204 में क्या ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा है ये 4, तो कितना आ गया हमारा 208 आया। अब देखिए अब हमारा बेस क्या है, 200 है, तो 200 की 200 का हम क्या लेंगे 2, और इसके साथ हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, 100 था तो 1 की मल्टीप्लाई की थी, बट 1 की मल्टीप्लाई की थी हमारा एज इट इज वैल्यू रही थी, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 28 जा 16, 22 जा 4, और 16 हमारा यहाँ पर, तो हमारा स्क्वायर हो गया 204 का 41616। ओके, ये हमारा 3 डिजिट का। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे हमारा है 213, 213 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो हमारा क्या है बेस 200 से कितना ज़्यादा है ये 13 है, तो 13 का हम सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तब आपको ये फाइंड करने में इजी होगा। तो 13 का स्क्वायर क्या है हमारा 169। ओके, अब 13 को क्या करते हैं हम, इसमें ऐड, 213 में क्या करेंगे ऐड, 13 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 622, तो कितना आ गया हमारा 226, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा बेस क्या है 200, तो 200 का क्या लेंगे हम 2, इस 2 के साथ इस नंबर की मल्टीप्लाई 2, तो क्या आएगा हमारा 26 जा 12, 22 जा 4 5, 22 जा 4, और ये हमारा 169 है यहाँ पर। अब हमने क्या, वहाँ पे क्या था हमारा 2 डिजिट थी, अब यहाँ पे 3 डिजिट है, और जो 3 डिजिट आएगी वो क्या चली जाएगी, कैरी, तो ये कैरी जाएगी, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा हमारा 4 5 3 6 9, ये हो गया हमारा आंसर 213 का स्क्वायर 3 डिजिट का। ओके, डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, नियर बाय हम देखेंगे 200 के है, अगर 213 है हमारा 213 है, तो 200 के नियर बाय है कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, फिर जो 13 एक्स्ट्रा है वो इसमें ऐड किया, तो हमने कितना है 226, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बेस हमारा 200 था तो 2 से मल्टीप्लाई इस नंबर की, तो उससे आया हमारा 452। अब यहाँ पे हमारी 3 डिजिट थी और हमें कितनी लेनी है 2 डिजिट, जो थर्ड डिजिट है उसको हमें क्या करना है, कैरी पूछा देना है, तो ये 1 डिजिट थी तो ये यहाँ पे आ गया कितना 3, तो हमारा आंसर आया 4 5 3 6 9। ये था हमारा 3 डिजिट्स का स्क्वायर फाइंड करना डायरेक्ट। ओके, ऐसे ही हमारा अगर 300 बेस है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, अगर 400 बेस है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हम 900 तक फाइंड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम डायगोनल मेथड से 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना, तो हमारा डायगोनल मेथड से है 204 का स्क्वायर फाइंड करना। अब हमारे पास 3 डिजिट है, 3 डिजिट का डायगोनल मेथड से हम फाइंड करेंगे, तो 3 डिजिट में क्या करेंगे हम, 3 डिजिट है तो 3 रो 3 कॉलम लेंगे हम,
अब देखिए, एक दो, एक दो तीन, ऐसे ही हमारा एक दो, एक दो तीन, ऐसे ही हम टू ज़ीरो फोर, यहाँ पे भी हमारा टू ज़ीरो फोर। अब हम डिवाइड करेंगे सभी पार्ट को डायगोनल में, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट की इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, इसके साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, टू टू जा फोर। अब सिंगल डिजिट है तो क्या करेंगे, डबल डिजिट बनाएंगे, जीरो फोर, तो जीरो फर्स्ट में, फोर सेकंड में, टू जीरो जीरो, जीरो आया जीरो, जीरो जीरो, टू टू जा टू, फोर जा एट, तो जीरो एट, ठीक है। अब जीरो की मल्टीप्लाई यहाँ पे सभी के साथ करेंगे तो जीरो ही आएगा हमारा, तो यहाँ पे भी हमारा जीरो, यहाँ पे भी जीरो, जीरो 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 जीरो। अब फोर टू जा एट, तो ये आया हमारा जीरो एट, फोर जीरो जीरो, तो ये आया हमारा जीरो जीरो, फोर फोर जा सिक्सटीन, ये आया हमारा सिक्सटीन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इससे सिक्स लिया हमने, यहाँ से लिया हमने वन, यहाँ पे आया हमारा आठ, जीरो जीरो जीरो, आठ आठ एट, और एट होगा हमारा सिक्सटीन, तो यहाँ से आया हमारा सिक्सटीन, और यहाँ पे हमारा मिलेगा जीरो, और यहाँ पे हमें फोर, और यहाँ पे जीरो। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे वंस डिजिट है तो सिक्स लिया, यहाँ पे वन है तो वन लिया, यहाँ पे सिक्स है तो सिक्स लिया, यहाँ पे वन है तो वन